फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। वो है कचौड़ी पराठा, जिसकी स्टफिंग एकदम लच्छेदार है और बहुत सारी स्टफिंग इजीली इसमें भर गई है। बिल्कुल कचौड़ी जैसा टेस्ट करेगा। बनाने का तरीका भी एकदम यूनिक है। तो चलिए बहुत ही झटपट से वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस जबरदस्त पराठे को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप जितना नॉर्मल गेहूं का आटा, साथ ही 1 कप जितना ही मैंने मैदा लिया है। आप पराठे को चाहे तो पूरी तरह से आटे से बना सकते हैं, मैदा से बना सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए आप दोनों को हाफ हाफ यूज करें। ये डाला टेस्ट के हिसाब से नमक और 2 टेबल स्पून जितना देसी घी। कोई भी स्टफ पराठा बनाएं, अगर थोड़ा सा मोइन डाल देते हैं तो पराठा ज़्यादा अच्छा बनता है, काफ़ी खस्ता सा हो जाता है। मोइन को बिल्कुल अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद बारी है डो लगाने की। डो लगाने के लिए मैंने लिया है नॉर्मल पानी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं। अगर सर्दियों में डो लगाने हैं तो हल्का गुनगुना पानी यूज़ करें। मैं आपके साथ लच्छेदार स्टफिंग वाले पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसका डो जो लगेगा काफ़ी लचीला सा लगेगा। और ये देखिए, बस अब डो लगकर तैयार है। हाथों को चिकना किया और अच्छे से मैंने उसके ऊपर लगा दिया है, जिससे डो सूखेगा नहीं। और ढककर करीब 20 मिनट छोड़ देंगे और इतने हम करेंगे इसकी लच्छेदार स्टफिंग तैयार। उसके लिए मैंने 1/2 किलो जितना प्याज ले लिया है और इसके लच्छे बनाने के लिए मैंने ये ले लिया है एक चिप्स बनाने वाली मशीन। ज़्यादातर सभी घरों में होती है, स्टील की हो, लकड़ी की हो या प्लास्टिक की हो। बस उसमें इस तरीके से लच्छे निकाल लीजिए और इससे प्याज बहुत झटपट से कट जाती है, आंखों में आंसू भी नहीं आते, काम इजी हो जाता है। और उसके बाद इसे अच्छे से इस तरीके से एक बार हाथों से कर लेंगे, जिससे सारे लच्छे इजीली अलग हो जाएंगे। और लीजिए, ये प्याज तो हमारी तैयार हो गई है। अब बारी है स्टफिंग बनाने की और उसके लिए गैस ऑन करी, उसके ऊपर कढ़ाई रखकर उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। आप चाहें तो कॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। और उसमें डाल दिया ये प्याज। इस समय ना हमें जीरा डालना है, ना कोई और मसाला डालना है। और करीब 4 मिनट तक हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे, जिस पे उससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। और 4 मिनट हुए, प्याज ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ हल्का सा ब्राउन होने लगा है। बस यही स्टेज है कि हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। सबसे पहले डाल दी 2 हरी मिर्चें, जिसे एकदम बारीक काटा है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे लंबाई में कट कर लिया है। और ये लिया टेस्ट के हिसाब से नमक, ये भी डाल देते हैं। और ये लिए हैं कुछ खड़े मसाले और पिसे हुए मसाले, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला। और ये लिया है सूखा धनिया पाउडर, दरदरी सौंफ, भुना हुआ जीरे का पाउडर और ये स्पेशल मसाला जिसमें मैंने होल धनिया, लौंग और काली मिर्च लिए हैं। अगर आप इन सभी मसालों को मिलाकर और पीस कर रख लेते हैं तो यकीन मानिए, आप कभी भी कचौड़ी बनाएं या पराठे बनाएं, बस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मसाला डाल दीजिए। आपको कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नमक डालने भर से ही आपके पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट करेंगे, काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और इसकी रेसिपी भी इस तरीके से आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, क्योंकि मैं हमेशा ही जब कचौड़ी वगैरह बनाती हूँ तो इसी मसाले का यूज़ करती हूँ। और ये मैंने लिया है सत्तू, ये चने का आटा होता है। अगर आपके पास ये है तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप इसमें बेसन डाल सकते हैं, उसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। और ये मैंने 4 टेबल स्पून जितना इसमें सत्तू डाल दिया है। ये जो छिलके वाले भुने चने आते हैं उनका आटा होता है। और इसके बाद में आप देखेंगे स्टफिंग में एक अच्छी बाइंडिंग आ गई है और प्याज में जितना भी मॉइस्चर था वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। और स्टफिंग को और 2 से 3 मिनट भुना और स्टफिंग बिल्कुल खिली खिली सी और बहुत बढ़िया तैयार है। और अब आई है हरा धनिया डालने की, और साथ ही मैंने ली है ये कसूरी मेथी। कोई भी पराठे हो, अगर कसूरी मेथी डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट करते हैं। और स्टफिंग हमारी तैयार है, बस इसे कूल डाउन कर लेते हैं। और जितने हमारी स्टफिंग कूल डाउन होगी उतने ही मैंने लिया है ये आटा, और बस इसे बिल्कुल अच्छा सा मसल लेंगे, जिससे पराठे जो बनेंगे बहुत ही खस्ता बनेंगे। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमारे पराठों को ज़्यादा टेस्टी कर देती हैं। बस आटे को इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए हम बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। और आप आटे का टेक्सचर देखिए, कितना लचीला हमारा आटा बनकर तैयार हुआ है। आप कोई भी स्टफ पराठे बनाएं, अगर आटे को इस तरीके से लगाते हैं तो यकीन मानिए पिछले और बाद के बने पराठों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा।
और बस अब हम इसके बॉल बना लेंगे। पीछे को टक करते हुए इस तरीके से आप इसके बॉल बना लें। तो मैं पराठे के बॉल बनाए हैं, थोड़े से बड़े साइज में बनाए हैं, और ये ली है मैंने स्टफिंग जो पूरी तरीके से कूल डाउन हो चुकी है। और बस इसके भी हम उतने ही बड़े बड़े बॉल बना लेंगे जितने बड़े कि हमने आटे के बनाए हैं। और ये सारे बॉल बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये ले लिया है सूखा मैदा, आप चाहें तो इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लें। और बस एक एक पेड़ा लेंगे, लेकिन बाकी को कवर करके रखेंगे जिससे कि ये सूखेंगे नहीं। और बस सूखे मैदा में हल्का सा कोट किया, उंगलियों से प्रेस कर लें, और आप चाहें तो बेलन से भी प्रेस कर सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं बेलना है, छोटा सा बेलेंगे क्योंकि अभी हमें स्टफ़ करना है। और बस स्टफिंग रखी, किनारे उठाते हुए अच्छे से सील करेंगे, बिल्कुल अच्छे से सिक्योर कर लें जिससे सेकते हुए पराठे खुले नहीं, ना बेलते हुए खुले। और ये बिल्कुल अच्छे से स्टफिंग सिक्योर हो चुकी है, यानी कि एक बॉल बनकर तैयार है। एक और बना लेते हैं, और बस उसे भी बेल लिया, स्टफिंग रखी। और इस समय हमें इसमें साटा वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टफिंग में ऑलरेडी हमने ऑयल डाल रखा है। और अब बारी है पराठे को बेलने की। बेलने के लिए फिर से सूखी मैदा को हल्का सा डस्ट किया, अगर मैदा ज़्यादा लग जाती है तब भी पराठे अच्छे नहीं बनते, बिल्कुल हल्का सा डस्ट करेंगे। और लीजिए बस अब पराठे को मैंने बेल लिया है। नॉर्मल से तो थोड़ा सा मोटा रहेगा, पर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, आप जितना मर्जी से बड़ा कर सकते हैं, इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। और इसी तरीके से मैंने ये दो पराठे बेल लिए हैं। और अब आ रही है पराठों को सेकने की। सेकने के लिए गैस ऑन करी, उसके ऊपर तवा रखा, और तवे पे पराठे को प्लेस कर देंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कचौड़ी पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाने का तरीका भी अलग सही है और खाने में टेस्ट बिल्कुल कचौड़ी जैसा आता है। और जैसे ही पराठा दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सीखा, हम उसे कचौड़ी जैसा बनाने के लिए गैस ऑन करी और उस पर पैन रखा। उसमें करीब 4 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है, और ये सारा देसी घी इसमें नहीं लगेगा, इसमें आप आराम से 8 पराठे सेक सकते हैं। और डालते ही आप देखिए पराठा एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया है। और बस उलट पुलट कर हम अच्छा सा इसे सेक लेंगे, और इसमें से यकीन मानिए ये कचौड़ी जैसा टेस्ट नहीं करेगा, एकदम अलग सा आपको इसमें टेस्ट आएगा। अगर आप डाइट कॉन्शियस नहीं हैं और ज़्यादा बढ़िया पराठे कभी कभी खाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपको खुद ही इसमें डिफरेंस पता चलेगा, जो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पराठे कैसे लगे। और ये लीजिए एक पराठा तो मैंने इस तरीके से बना लिया है, और अब मैं आपके साथ बिल्कुल नॉर्मल किस तरीके से पराठा बना सकते हैं वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। और उसके लिए फिर से बस एक पराठा लिया, उसे बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल सेकते हैं वैसे ही कर लिया, यानी दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सेक लिया। और अब इसकी ऑयलिंग करेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, ऑयल तो आप अपने मन से ज़्यादा या कम लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा ऑयल लिया, और ये लीजिए ये पराठा भी एकदम ज़बरदस्त फूला है। इन पराठों में फूलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत इजीली फूल जाते हैं क्योंकि स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से हमने इसमें सेट करके बनाया है। और लीजिए पराठा दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया सिक चुका है, काफ़ी करारा सा दिख रहा है। और ये तो पराठा वो है जो हमने नॉर्मल सेका था, और ये है जो हमने डीप फ्राई करके सेका था। बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैंने रखी हरे धनिया की चटनी, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी, साथ ही प्लेन दही, या आप इसमें चीनी वाला दही भी ले सकते हैं, यानी मीठा दही भी ले सकते हैं। और पराठे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, गर्मा गर्म पराठे खाइए, और फैमिली आप लोगों की तारीफ ज़रूर करेगी। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।